हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूं रिलेटेड टू पॉलीफेरा। ठीक है, पॉलीफेरा से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 40 एमसीक्यूज करा चुकी हूं। तो कुछ जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थे और जो रह गए थे वो भी आज मैं इस पार्ट के अंदर कवर कर दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्विज़। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नेम लिखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर चैनल का नाम लिख रही हूँ, साइंस लर्निंग अकेडमी। ठीक है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्विज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीनस फ्लावर बास्केट इज़ नोन एज। वीनस फ्लावर बास्केट किसके नाम से जानी जाती है? तो वीनस फ्लावर बास्केट जो है उसको हम कहते हैं यूप्लेक्टेला। ठीक है, क्या कहते हैं? यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट है ओस्कुलम हेल्पिन। ओस्कुलम किस में मदद करता है? बेसिकली जो ओस्कुलम है वो हेल्प करता है पानी को बाहर भेजने में। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है? पानी को बाहर भेजने में, यानी कि वाटर एक्सक्रीटेड आउट, वाटर को बाहर भेजने के लिए ओस्कुलम जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूप्लेक्टेला बिलोंग्स टू। यूप्लेक्टेला किस से बिलोंग करता है? यूप्लेक्टेला जो है वो क्लास हेक्सा टिनलिडा से बिलोंग करता है। ठीक है, हेक्सा टिनलिडा। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्पॉन्जेस आर इंक्लूड इन सब किंगडम, यानी कि स्पॉन्जेस को कौन से सब किंगडम में इंक्लूड किया गया है? तो स्पॉन्जेस को पैराजोआ सब किंगडम में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्पंजेस आर, सभी स्पंजेस क्या होते हैं? जितने भी स्पंजेस हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैम्यूल्स के द्वारा होता है, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओवा एंड स्पर्म के द्वारा होता है। ठीक है, सो ऑल दी अबो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सा किटिनलिडा स्केलेटन मेड अप ऑफ, यानी कि जो हेक्सा किटिनलिडा का स्केलेटन है वो किससे बना होता है? हेक्सा किटिनलिडा का जो स्केलेटन है वो बना होता है ट्राइएक्सोन सिलिसियस स्पिक्यूल से। ट्राइएक्सोन का मतलब क्या है? सिक्स रेज। हेक्सा का मतलब क्या होता है? सिक्स, यानी कि छः रेज से इस सिलिसियस स्पिक्यूल्स की सिक्स रेस से बना हुआ होता है। सो द ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्पंजेस आर, स्पंजेस क्या होते हैं? स्पंजेस जो होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और प्लस एसिमेट्रिकल होते हैं। सो बोथ ये जो ऑप्शंस हैं ये ऊपर नीचे हो गए हैं, देखो, तो रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कमर्शियल बाथ स्पंज। कमर्शियल बाथ स्पंज का साइंटिफिक नेम क्या है? कमर्शियल बाथ स्पंज का जो साइंटिफिक नेम है वो है यू स्पॉन्जिया। नेक्स्ट है एक्सटीरियर वाटर डैश इनकरेंट वाटर डैश रेडियल कैनाल, यानी कि जो बाहर से पानी आएगा वो किसके द्वारा इनकरेंट वाटर के अंदर जाएगा? बाहर से जो पानी आता है वो प्रोसोफाइल के द्वारा किस में जाता है? इनकरेंट वाटर में। फिर इनकरेंट वाटर से ओस्टियम के द्वारा जाता है रेडियल कैनाल में। सो दी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, प्रोसोफाइल ए है और बी जो है ओस्टियम है। नेक्स्ट है लार्वा पोरीफेरा इज, यानी कि जो पोरीफेरा का लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोरीफेरा के लार्वा को हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टूला। क्या बोलते हैं? एम्फीब्लास्टूला। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कोनोसाइट्स इन पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर कोनोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है? पोरीफेरा के अंदर कोनोसाइट्स का फंक्शन होता है मेंटेन करके रखना वाटर करंट को, यानी कि जो वाटर करंट है उसको क्या करके रखना? मेंटेन करके रखना। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द वाटर करंट विद इन स्पंज इज मेंटेन बाय, यानी कि जो वाटर करंट है स्पंजेस के अंदर वो किससे मेंटेन होता है? वाटर करंट मेंटेन होता है बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ कोनोसाइट्स। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मोस्ट स्पंजेस हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ, यानी कि ज़्यादातर जो स्पंजेस है उसका स्केलेटन किससे बना होता है? स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है इपिडर्मिस ऑफ स्पंज मेड अप ऑफ, जो इपिडर्मिस होती है स्पंज की वो किसकी बनी होती है? आर्चियोसाइट्स की। किसकी बनी हुई है? आर्चियोसाइट्स की। नेक्स्ट है साइकन स्केलेटन मेड अप ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है कि साइकन का जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? साइकन का जो स्केलेटन है वो किससे बना होता है? कैलकेरियस स्पिक्यूल से, ये देखो याद रखना। ठीक है, कैलकेरियस स्पिक्यूल से किसका बना हुआ है? साइकन का बना हुआ है। अभी एक और क्वेश्चन आया था स्केलेटन से रिलेटेड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा, एक सेकेंड, ये देखो
हेक्सा किटिलिडा स्केलेटन मेड अप ऑफ, ये किससे बना हुआ है, ट्राईएक्सोन सिलिसियस स्पीक्यूल से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हेक्सा किटिलिडा के जितने भी मेंबर्स हैं उनका स्केलेटन किससे बना होता है, ट्राईएक्सोन सिलिसियस स्पीक्यूल से, और साइकन का किससे बना हुआ होता है, कैलकेरियस स्पीक्यूल से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टूडे। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरी वन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।